हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मंथन। आज के इस लेक्चर में हम घटना चक्र करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट कवर अप करेंगे, जिसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो इसमें कवर अप किए जाएंगे लास्ट वन ईयर के। ये सीरीज जो है आपकी यूपीपीसीएस, आरएएस और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रॉम द करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो साइंस एंड टेक करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं आज के लिए। फर्स्ट जो टॉपिक है वो हैंसन क्रेटर। हैंसन क्रेटर जो है ये नाम दिया है अपना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। और ये है क्या हैंसन क्रेटर, ये मून के साउथ पोल पे क्रेटर है, उस क्रेटर को नाम दिया है हैंसन क्रेटर। तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव साउथ पोल पे क्रेटर को क्या बोला गया है, हैंसन क्रेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इतना काफ़ी है। सेकेंड है GSLV F10 EOS-3। तो जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल F10 और EOS, EOS मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन EOS, अब EOS सीरीज के नाम से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नाम दिया जाता है। सो इसका जो मिशन ये असफल हो गया था, फेल्योर हो गया था, थर्ड क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर ये फेल्योर हुआ। बस इतना ही काफी है कि GSLV F10 था वो मिशन फेल हो गया, EOS-3 इसका पार्ट था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है अपना इसरो का साउंडिंग रॉकेट। तो साउंडिंग रॉकेट इसरो के जो है, ये देखें यहाँ पे तीन साउंडिंग रॉकेट्स हैं जो कि इंडिया इसरो ने लॉन्च किए हैं, RH-200, RS-300 MK-2 एंड RH-M60 MK-2। तो RH के नाम से होते हैं ये, तो आर एच के नाम से सारे क्या होंगे आपके साउंडिंग रॉकेट्स हैं। तो अभी RH-560 MK-2 को जो है लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, कहाँ पर, श्री हरिकोटा कहाँ है ये, पुलिकट लेक के पे आइलैंड है एक श्री हरिकोटा। तो इतना ही सफिशियंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है PSLV C-51। PSLV C-51 ये जो रॉकेट है, ये सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये अमेजोनिया वन मिशन इसको नाम दिया गया। तो अमेजन फॉरेस्ट से ये क्या है, क्या नाम है, अमेजोनिया फर्स्ट, सो मीन्स ब्राज़ील का एक सेटेलाइट था। 2021 में इसरो का ये पहला अंतरिक्ष अभियान रहा है। और वैसे अगर देखें PSLV C-51, PSLV का 53rd रहा है, दो फेल हो गए होंगे बीच में, सो अभी ये PSLV C-51 इसको नाम दिया गया। इसमें जो मेन सैटेलाइट था वो अमेजोनिया फर्स्ट है ब्राज़ील का, साथ में 8 को पैसेंजर सैटेलाइट्स और भी भेजे गए थे। अगर हम बात करें NSIL आपका नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड है, आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये इसका कंप्लीट कमर्शियल मिशन रहा है, फर्स्ट कंप्लीट कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। स्पेस एंड इंक ने NSIL के साथ इसको साथ में कोलेबोरेशन किया था इस मिशन के अंदर। तो PSLV C-51 से कौन सा मेन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, अमेजोनिया फर्स्ट का काम क्या रहेगा सैटेलाइट का, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है उनके अर्थ ऑब्जर्वेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन के अंदर और बाकी ये उनके ऊपर काम करेगा रिगार्डिंग द अमेजन क्षेत्र में जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और भी जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है वहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी है, उसके रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग जो डेटा है उसके लिए काम आएगा। ये सन सिंक्रोनस है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया। सन सिंक्रोनस मींस पोल टू पोल, जियो सिंक्रोनस अलोंग इक्वेटर। इसमें बाकी और भी सैटेलाइट्स रहे हैं साथ में जो बताए, कोपेसन सैटेलाइट, वह एक आपका SD-SAT है, सतीश धवन सेट। SD-SAT जो है ये स्पेस किड्स इंडिया ने एक क्यूब सेट सैटेलाइट बनाया था, SD-SAT, सतीश धवन सैटेलाइट जो है, इसमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भी इसके ऊपर टॉप पैनल पे लगाई गई है जो बनाई है। सेकंडली एक भगवद गीता को भी एक SD कार्ड में डाल के इसके ऊपर भेजा गया फ्रॉम इन द SD-SAT। सेकेंड आपका Unity-SAT है और थर्ड आपका सिंधु नेत्र है। तो तीन आपके SD-SAT, Unity-SAT एंड सिंधु नेत्र, तीन आपके भेजे गए हैं पर बस थोड़ा एक बार देख सकते हैं। बाकी मेन आपका सैटेलाइट कौन सा रहा है, अमेजोनिया फर्स्ट, वो सफिशियंट है।
इसके बाद स्पेस हरिकेन, एक स्पेस हरिकेन आपका, स्पेस हरिकेन क्या आपका अंतरिक्ष तूफान है, मीन्स स्पेस में एक हरिकेन है, ठीक है। हरिकेन जनरली वैसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को बोलते हैं, कहाँ पर, इन द अटलांटिक ओशन अलोंग द कोस्ट ऑफ मैक्सिको और यूएस के अलोंग। तो स्पेस हरिकेन किसको बोला गया, स्पेस हरिकेन बोला गया है इलेक्ट्रॉन की वर्षा को, इलेक्ट्रॉन रेन को बोला गया है, और ये कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, ऑन द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल के ऊपर जो है इसको स्पेस हरिकेन को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जो घूम रहे थे उनको वहां पर इलेक्ट्रॉन रेन को ऑब्जर्व किया गया, दैट इज कॉल्ड स्पेस हरिकेन, दैट्स इट। और चाइना के साइंटिस्ट थे और बाकी लोग थे, और कहाँ देखा गया, नॉर्थ पोल के ऊपर। नेक्स्ट पीएसएलवी C50, CMS-1। ये पीएसएलवी C50 तो ये है कौन सा सैटेलाइट, कौन सा सैटेलाइट लेके जाएगा ये लॉन्च व्हीकल, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह लेके गया है ये। और ये एक्सल इसका पार्ट है, एक्स्ट्रा लार्ज मीन्स एक बड़ा सैटेलाइट है, बड़ा लॉन्च व्हीकल, बड़े सैटेलाइट्स को लेके जाने वाला है। CMS-01 42nd आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखें कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसके थ्रू भेजा गया, थ्रू PSL C50। ये एक्सटेंडेड सी बैंड में अपनी सेवाएं देगा, ठीक है। एक्सटेंडेड सी बैंड किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कौन सा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टीवी, मौसम रडार वगैरह, वाईफाई, इन सब चीज़ों के लिए एग्जैक्टली ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इनको। एंड PSLV-C49 ये EOS फर्स्ट मिशन था, EOS क्या पढ़ा था हमने, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। तो CMS कौन सा था आपका, आपका ये CMS-01 आपका कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, सी से आप कम्युनिकेशन ध्यान में रख सकते हो, एंड EOS आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। तो इस EOS-1 के अलावा 9 आपके फॉरेन सैटेलाइट्स भी भेजे गए, सो टोटल 10 सैटेलाइट्स PSLV-C49 के थ्रू भेजे गए। ये EOS-01 क्या है आपका, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, राइसेट रडार इमेजिंग सैटेलाइट आपका है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट अपर्चर, SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार से ये लेस आपका EOS-01। और ये जितने भी सैटेलाइट्स थे आपके NSIL के साथ एक कमर्शियल एग्रीमेंट था उसके थ्रू गए हैं, NSIL के आपके न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और हमने पढ़ा था कि जो अमेजोनियन फर्स्ट भेजा गया वहां पर वो NSIL का फर्स्ट फुल्ली कमर्शियल आपका लॉन्च था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और मैसर्स अग्निकुल के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और इसमें अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तो इसरो की फैसिलिटीज वगैरह देने में इसमें अलाउ किया है। इसके बाद आपका इसरो का मिशन शुक्रयान, तो नाम है देखो शुक्रयान मिशन किसके लिए, शुक्र जो अपना प्लैनेट है, शुक्र ग्रह है उसके, उसका ये एक मिशन है, शुक्र ग्रह मीन्स वीनस, सो वीनस का ये एक आपका प्रोजेक्ट है इसरो का। और स्वीडन जो है वो अब शुक्रयान 1 मिशन से जुड़ने का उन्होंने फैसला किया है, तो शुक्र शुक्र ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेंगे, वीनस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर का ये स्टडी करेगा, ठीक है। तो इतना ये शुक्रयान 1 किसका, किसके लिए मिशन है, इसरो का है, और वीनस प्लेनेट के लिए वहाँ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। और USSR जो है वो जो है वीनस के ऊपर कोई भी अंतरिक्षयान लैंड कराने वाला, सफल रहने वाला एकमात्र देश है, तो USSR ही इससे पहले जिसने सक्सेसफुली लैंड करवाया है वहां पर अपना अंतरिक्षयान लॉन्च व्हीकल जो है। नेक्स्ट कल्पना चावला के नाम पर एक कार्गो अंतरिक्षयान का नाम रखा गया है, तो ये कल्पना चावला के नाम से कौन सा अंतरिक्षयान है, ये यहाँ से एक आपका कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर जब ये सप्लाई वगैरह लेके जाने के लिए एक इन्होंने अंतरिक्षयान भेजा था, वर्जीनिया वेलप्स आइलैंड से इन्होंने लॉन्च किया था, और इसका नाम रखा गया NG-14। तो NG-14 सिग्नस अंतरिक्षयान, NG-14 सिग्नस स्पेस व्हीकल। तो NG-14 सिग्नस स्पेस व्हीकल को क्या नाम दिया गया, SS कल्पना चावला का नाम दिया गया, इतना ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। और अपने कल्पना चावला जो थे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपके, अभी तक हमने स्पेस का पढ़ा, अभी आगे डिफरेंट साइंस एंड टेक पढ़ेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, तो शांति स्वरूप भटनागर जो प्राइज जो दिया जाता है, CSIR इसको देता है, और इन इन कैटेगरीज में दिया जाता है, जैव विज्ञान यानी बायोलॉजी आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री में, अर्थ साइंस वगैरह में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिकल साइंस में, भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस वगैरह, इन सब के अंदर। जैव विज्ञान में दिया गया अमित सिंह को, अरुण कुमार शुक्ला को, रसायन विज्ञान में कनिष्क विश्वास और गोविंद राजू को, इसमें बिनोई राय कुमार साइकिया को दिया गया पृथ्वी वायुमंडल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर मुखोपाध्याय, तो अध्याय किसके अंदर है, इंजीनियरिंग के अंदर आपका है। गणित मैथमेटिक्स में घोष, तो घोष में देख सकते हैं, ठीक है, बोस आजकल कौन है, घोष कौन है, जो कि मैथमेटिक्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है। और चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान जीनोम, नाम ही देखो जो जीनोम स्टडी करते हैं, जीनोम ऐसे बस ध्यान रख सकते हैं, जीनोम जीनोम। भौतिक विज्ञान कनक साहा, कनक साहा भौतिक विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आपका है, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये सर्फ शार्क एक कंपनी है, सर्फ शार्क ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कंपनी है, इसने ये लॉन्च किया है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। है किसके बारे में, ये लाइफ की डिजिटल क्वालिटी को बताती है, राइट। फॉर एग्जांपल आपकी इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी कैसा है, ठीक है, आप इंटरनेट की क्वालिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड इंडेक्स होता है। टॉप इसको किया डेनमार्क ने, ठीक है, आप देख सकते हैं डी से डेनमार्क, डी से डिजिटल, तो डिजिटल वाले, डिजिटल सिक्योरिटी वाले को किसने टॉप, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को किसने टॉप किया, डेनमार्क ने, इंडेक्स रैंकिंग के 59th। नेक्स्ट ATL स्पेस चैलेंज, सो ATL अटल इनोवेशन मिशन जो है आपका, अटल इनोवेशन मिशन किसका है, नीति आयोग का है, राइट। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने जो है इसरो और CBSE इनके साथ मिलके स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर स्पेस साइंस इनोवेशन इन सब के रिगार्डिंग माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ATL स्पेस चैलेंज, ATL टिंकरिंग लैब्स हम पढ़ा करते थे, राइट। सो सिमिलर है वहाँ पर, अटल टिंकरिंग लैब्स में क्या होता है, इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, राइट। तो ATL स्पेस चैलेंज आपका हो गया, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसरो, CBSE और अटल इनोवेशन मिशन का तो प्रोग्राम है ही ये। तो वर्ल्ड स्पेस वीक जो रखा गया 4 से 10 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है, इसमें दोनों तरह के स्कूल्स शामिल होंगे, अटल टिंकरिंग लैब वाले और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले भी, और 6ठी से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए ATL स्पेस चैलेंज रहेगा। सिंपल सा है, बस एक अंडरस्टैंडिंग रखो। नेक्स्ट फर्स्ट ई व्हीकल अनुकूल राजमार्ग जो है वो कौन सा है, दिल्ली चंडीगढ़ वाला, वो बन गया है। कैसे बन गया है, करनाल के अंदर आपका कर्ण एक लेक है, कर्ण लेक रिजोर्ट वहां पर है हरियाणा टूरिज्म का, उस कर्ण लेक रिजोर्ट पे वहां पे सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बेसिकली कोई भी ई व्हीकल अनुकूल राजमार्ग कब होगा, जब वहां पर चार्जिंग स्टेशन होंगे बीच में चार्ज करने के लिए गाड़ी को, बैटरी के लिए, ठीक है। तो वहां पर है, तो ये अपना जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे क्या बन गया आपका, ई व्हीकल अनुकूल राजमार्ग, NH1 बोलते हैं वैसे इसको, अभी इसके इनकी नंबरिंग चेंज हो गई है बाद में, दिल्ली अमृतसर वाले को NH1 बोला जाता है, जो इधर चंडीगढ़ अम्बाला से क्रॉस करता है अम्बाला के थ्रू। फेम आपका एक तरह से BHEL जो है, फेम को यहाँ पर साथ में इसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फेम आपका क्या है, फास्टर अडोप्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइब्रिड एंड ई व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको कि ई से आप ध्यान रखो, ई से आपका ई व्हीकल है, बस इतना आपको एक हिंट चाहिए होता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, तो आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, 75th अपना इंडिपेंडेंस डे के दौरान इसको, इसकी घोषणा की गई थी, और इसके थ्रू क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए इंडिया को हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सो ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन बेस्ड अगर हम एनर्जी को यूज करते हैं तो एमिशन नहीं होता है, अब अगर कार्बन एमिशन अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या, उससे एनवायरमेंट फ्रेंडली है आपका, एफिशिएंसी भी ज़्यादा और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। सो हाइड्रोजन इकोनॉमी
शब्द की जो अवधारणा वो साउथ अफ्रीका के रसायन शास्त्री है जो जोन बोक्रिस, उसने प्रस्तुत की थी। खास इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड, यानी हाइड्रोजन एनर्जी का जो बोर्ड है वो 2003 में बनाया गया था, और जो रोड मैप है हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर वो 2006 के अंदर। एक आपका IC8, हाइड्रोजन चैलेंज IC8, ठीक है, मिशन इनोवेशन रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी चैलेंज। तो आपका मिशन इनोवेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं। एक रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी चैलेंज IC8 के भागीदारी देशों में जो है इंडिया है, और उसी का एक पार्ट आपको दे सकते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी के रिगार्डिंग आपका है, ठीक है। तो ये मिशन इनोवेशन जो है कि 24 देश और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक वर्ल्ड लेवल पे ये एक पहल आप बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो जो मिशन इनोवेशन है इसके अंडर जो है 8 इनोवेशन चैलेंजेस थे, इसलिए ना इसको क्या नाम दिया गया, IC8, राइट, इनोवेशन चैलेंज 8। तो इसमें एक आपका रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी के रिगार्डिंग है जो कि हाइड्रोजन पर फोकस्ड है आपका। नेक्स्ट आपका वाहन स्क्रैपिंग नीति, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, 2021 के अंदर इसको अपने प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, और इन्वेस्टर समिट गुजरात में भी थी उस दौरान इसको लॉन्च किया गया। तो क्या नाम है इसका, नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी। ये बजट के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। इसमें क्या है कि पुराने वाहनों को तो स्क्रैप करने के लिए फोकस दिया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा अलग अलग इंसेंटिव्स के थ्रू, और नए व्हीकल्स खरीदो उनकी जगह। रीजन क्या है, बिकॉज पुराने व्हीकल्स एमिशन ज़्यादा करते हैं, कार्बन एमिशन ज़्यादा रहता है, पोल्यूशन ज़्यादा रहता है। तो नए व्हीकल्स को खरीदने के लिए प्रमोट करेंगे और कह रहे हैं पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करो, उनको मत चलाओ। तो कैसे करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव्स देंगे, जैसे कि वाहन निर्माता जो है वो स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पर 5% तक की छूट दे सकते हैं। तो नया व्हीकल लोगे आप अपना पुराने व्हीकल का स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाओ, आपको 5% की छूट मिल जाएगी उसके अंदर। नए व्हीकल की RC पे भी आपको छूट मिल जाएगी, शून्य शुल्क मिलेगा, कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एक्स शोरूम कीमतों पर 4 से 6% के अराउंड जो है स्क्रैप मूल्य का वो नए वाहनों को वहाँ पर छूट मिल जाएगी। रोड टैक्स पे अलग आपको छूट मिल जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो पुराने व्हीकल रखने के ऊपर कुछ आपको ड्रॉबैक्स मिल जाएंगे, कुछ आपके ऊपर टैक्स वगैरह लग सकते हैं, फॉर एग्जांपल हरित कर लग जाएगा, और पुराने व्हीकल अगर आप स्क्रैप कर देते हो तो कुछ इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। ग्रीन स्टील क्या है, ग्रीन स्टील देखो स्वीडन जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री बन गया है जो कि ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो ग्रीन स्टील क्या है, जीवाश्म ईंधन मुक्त है, ये मतलब फॉसिल फ्री स्टील है। जनरली स्टील बनाने के अंदर काफ़ी एनर्जी आपकी यूज होती है जो कार्बन बेस्ड एनर्जी होती है, ठीक है, कोल यूज करते हैं बेसिकली। सो फॉसिल फ्री आपका स्टील होगा। कैसे होगा, जब हम इसको एनर्जी के रूप में हाइड्रोजन को यूज करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है आपका, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट नाम आ सकता है, कौन सी टेक्निक है ग्रीन स्टील की, हाइब्रिड, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। और स्वीडन फर्स्ट कंट्री बन गया वर्ल्ड के अंदर फॉर ग्रीन स्टील। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, ग्लोबल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये रैंकिंग देता है, और किसके द्वारा, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। देखो नाम से पता लग रहा है टेलीकॉम यूनियन ही करेगा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो अलग अलग पिलर्स है इसके। हम देखते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग 10th आई है, 37 प्लेसेस का जो है हमने इम्प्रूवमेंट किया है। फर्स्ट पहले नंबर पे कौन सा, USA, फर्स्ट पे USA, इंडिया 10th, ठीक है। टॉप 500 की लिस्ट आई है फॉर द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स की। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है, पहले नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे फुगाकू, जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर है वो फर्स्ट नंबर पे है। किसने बनाया ये लिनपैक बेंचमार्क पर ही आधारित है फुगाकू सुपर कंप्यूटर। इसकी स्पीड कितनी है, 442 पेटाफ्लॉप्स अराउंड, ध्यान रखो 440 के अराउंड जो पेटाफ्लॉप्स के अराउंड इसकी स्पीड है। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड्स वो पेटाफ्लॉप्स में देखी जाती है। और इंडिया की अगर हम बात करें, तीन जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया के, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मीर। पहले प्रत्यूष और मीर था, अब जो है परम सिद्धि भी आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे परम सिद्धि, 90th पे प्रत्यूष और मीर।
सो वर्ल्ड के अंदर देखें, फुगाकू फर्स्ट पे, सेकंड पे समिट है। समिट कहाँ का है? आईबीएम का है, यूएस का। फुगाकू कहाँ का है? जापान का। कंपनी कौन सी है? फुजित्सु। देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 148 करीब 150 मान सकते हैं, 150 पेटाफ्लॉप्स है समिट की स्पीड, और 442 है आपका फुगाकू की, तो करीब करीब 3 गुना के अराउंड जो है, 3 टाइम्स आपका ये सेकंड से फास्टेस्ट है, फास्ट रहे। हाइपरसोनिक पवन सुरंग, यानी हाइपरसोनिक विंड टनल की जो है सुविधा जो दी है वो अपने इसरो के लिए, जो वहाँ पर मिसाइल परिसर, जो एप सॉरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर के अंदर जो हैदराबाद में डीआरडीओ के इस कंपाउंड में ये स्थित है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर हैदराबाद में डीआरडीओ का, हाइपरसोनिक विंड टनल। तो इस तरह की फैसिलिटी वाला जो है, यूएस और रशिया के बाद इंडिया तीसरा कंट्री है जहां पर इतने बड़े परीक्षण की जो सुविधा है। तो कहाँ ये बस ध्यान रखना, हाइपरसोनिक विंड टनल कहाँ है? हैदराबाद में डीआरडीओ का एक मिसाइल परिसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से। नेक्स्ट, हेल्थ से रिलेटेड अपना साइंस एंड टेक के कुछ करंट अफेयर है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, ये 6 UTs में जो है फिलहाल एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के उसमें चल रहा है। इसको 15 अगस्त 2020 को लाल किले से जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई थी अपने प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने इसको लॉन्च किया इन्होंने। इसमें अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के रूप पे किया। तो आयुष्मान भारत के आप देखो, पीएम जय एक आपके आयुष्मान भारत के अंडर ही आपकी एक स्कीम है जो इसी का पार्ट है, आयुष्मान भारत का ही, ठीक है। इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन भी बोला गया, हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, पीएम जय जन आरोग्य योजना, राइट। सो जन आरोग्य योजना पीएम जय, तो इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। कितना है आपका हेल्थ इंश्योरेंस? 5 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। एक डिजिटल मिशन एक इसके रिगार्डिंग है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आयुष्मान भारत पीएम जय में क्या आपका इंक्लूड होता है। एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आपका इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर। अभी जो डिजिटल जो मिशन आपका जो है, ये हम जो बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत के ऊपर, भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें एक हेल्थ आईडी मिलेगी, हर सिटीजन को एक हेल्थ आईडी मिलेगी, और जो एक तरह से उसका हेल्थ अकाउंट के रूप में वो काम करेगी। और इसके अंदर एचपीआर हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, यानी जो हेल्थ प्रोफेशनल जिनकी रजिस्ट्री आ जाएगी उनका डेटा हो जाएगा। सेकेंडली हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री, तो हेल्थ फैसिलिटीज है उनका भी डेटा एक्यूमलेट किया जाएगा, रजिस्ट्रीज होंगी, और एक तरह से रिपोजिटरी के संग्रह के रूप में काम करेंगे सारा डेटा और रिपोजिटरी के उसमें। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना ये एक तरह से मिड डे मील स्कीम जो आपकी है उसकी जगह पर, या उसके उसकी तरह पर आपकी यहाँ पर आएगी, उसकी जगह पर, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को ये बेनिफिट करेगी, और पहले से चल रहे स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील के लिए राष्ट्रीय योजना, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, का स्थान लेगी। सो मिड डे मील की जगह राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है ये आ जाएगी। ये 21 से 22, यानी 21 से 26 के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको मंजूरी दे दी है। इसको हेड कौन करता है? मैक्सिमम कैबिनेट कमेटी इसको वैसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करता है। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना, मिड डे मील, वैसे ऐसे रिलेट करके ध्यान रख लो। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, कहने का मतलब क्या है? मेडिसिन जो स्काई से मेडिसिन दी जाएगी, कैसे दे सकते हैं? थ्रू द ड्रोन्स, ठीक है। तो कहाँ पे स्टार्ट किया है? तेलंगाना में स्टार्ट किया, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। तो ड्रोन के माध्यम से दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर दवाएं होगी, टीका हो गया, ब्लड हो गया, इनको सप्लाई किया जाएगा। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब कौन कौन किस किस का कोलेबरेशन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, नीति आयोग का, और
हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से। इसके बाद हृदय घात शोध हेतु भारत का पहला बायोबैंक स्थापित किया जा रहा है, यानी हार्ट फेल्योर से रिलेटेड इंडिया का फर्स्ट बायोबैंक कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? चित्रा त्रिनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो चित्रा त्रिनूल कहाँ है ये? चित्रा त्रिनूल आपका त्रिवंतपुरम में है, त्रिवेंद्रम जो होता है केरला के अंदर है। चित्रा त्रिनूल त्रिवंतपुरम, देखो नाम ही त्रिनूल त्रिवंतपुरम, ठीक है, केरला। और अपना फर्स्ट बायोबैंक है हार्ट फेल्योर का, नेशनल हार्ट फेल्योर बायोबैंक, बस इतना ही सफिशियंट है। गोवा जो है वो अपने कंट्री का फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट बन गया, सो रेबीज से फ्री हो गया है गोवा, फर्स्ट स्टेट बन गया। रेबीज कैसा, एक वायरल डिजीज है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 2018 के बाद से कोई भी एक भी रेबीज से मृत्यु का मामला सामने नहीं आया। चाइना मलेरिया फ्री हो गया, ठीक है, सो WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। नेक्स्ट आपका, अगर हम देखें इंडिया के संदर्भ में, तो मिनिस्ट्री ने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन स्टार्ट किया, 2017 से 22 को लॉन्च किया था, ठीक है। 2DG और IU64 ये कोविड की आप कह सकते हैं मेडिसिन है, तो सीधा एक आ सकता है 2DG किससे रिलेटेड है, कोविड, ठीक है, कोविड मेडिसिन। सेम IU64 भी सेम आपका कोविड मेडिसिन है, जिसको आयुष ने लॉन्च किया, जो कि आयुर्वेदा पे बेस्ड रहेगी। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने एंटी कोविड ड्रग्स में 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज या 2DG के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी थी, और DRDO की एक लैब है आपकी, इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अप्लाइड साइंसेज इन मैस, उसने 2DG का एक जो है अनुपयोग विकसित किया है DRL के सहयोग के साथ, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के सहयोग के साथ में। आयुष जो मिनिस्ट्री है उसने IU64 एक पोली हर्बल आयुर्वेदिक ड्रग है, और काबासूर काबासूर कुडिनार सिद्ध ड्रग है, औषधियों के राष्ट्रीय वितरण का अभियान शुरू कर दिया। तो काबासूर कुडिनार और IU64, ठीक है, तो IU64 एक तरह से आयुर्वेदा को रिलेट करके बनाया गया है। ऑलराइट, सो 2DG IU64 ध्यान रखो COVID-19 के रिगार्डिंग। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिले थे इस बार, काफ़ी डिफरेंट स्ट्रेन आए हैं ड्यू टू म्यूटेशन। सो जो इंडिया में जो स्ट्रेन है उसको डेल्टा नाम दिया गया है, B1617.2 इसको, ठीक है। यूके वाले स्ट्रेन को अल्फा नाम दिया गया, साउथ अफ्रीका वाले को बीटा नाम दिया गया। अपने वाले को याद कर लो, डेल्टा और यूके वाले का अल्फा, ये भी अल्फा काफ़ी खतरनाक आपका स्ट्रेन था। ये ब्राजील वाले को गामा नाम दिया गया, ठीक है। देखो अल्फा कौन सा है, यूके, बीटा आपका साउथ अफ्रीका, गामा ब्राजील और डेल्टा इंडिया। इसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे COVID-19 टीकाकरण के कार्यक्रम रहे हैं, काफी वास्ट स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव लेके चले थे। जो कौन सी दो वैक्सीन्स को यहाँ पर बेसिकली यूज़ किया गया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को जनरली यूज़ किया गया है। अगर हम देखें कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर इंडिया में इसको सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कोविशील्ड का नाम ध्यान रखना है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर बनाया है। इसके अलावा कोवैक्सीन मैत्री पहल क्या है, इंडिया जो अपने बाकी जो सहयोगी कंट्रीज हैं, सहयोगी देशों को ये दोनों वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, COVID-19 के जो टीके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और वैक्सीन मैत्री पहल के तहत पहला देश कौन बना जिसको इंडिया ने हेल्प किया, भूटान था, यहाँ पर हमने वैक्सीन भेजी है। ये डिफरेंट COVID-19 के जो है टीके हैं इनको देख सकते हैं, बट फाइजर जो है, फाइजर ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी ये बता सकते हैं इफेक्टिव आपका COVID-19 का वैक्सीन है। किसके ऊपर बेस्ड है, mRNA पे बेस्ड है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का एक अलग भी है ये वायरल, कोविशील्ड आप देख सकते हैं वायरल वेक्टर पे बेस्ड है, कोवैक्सीन आपका इनएक्टिव इनएक्टिवेटेड वायरस पे बेस्ड है।
नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आप देखते हैं, साइंस एंड टेक। स्मोक टावर, स्मोक टावर एक तरह से आपका एयर प्यूरीफायर के रूप में काम करता है, एयर को जो पोल्यूटेड एयर होता है उसको प्यूरीफाई करता है स्मोक टावर। तो शहरों में लगाए जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट ही किया गया था दिल्ली में, कहाँ पर है, आनंद विहार नई दिल्ली में। तो पहला फंक्शनल स्मोक टावर वहाँ पर उद्घाटन किया गया। दूसरा कहाँ, एक और कहाँ पर है, सीपी में है आपका, सीपी में भी आपका ये लगाया गया था। सेकेंडली आप देखें तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसके अंडर प्रण प्रण नाम से एक पोर्टल बनाया गया। प्रण आपका क्या है, ये असल में नॉन अटेनमेंट सिटीज में पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये रेगुलेशन है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया प्रण के नाम से। दूसरे स्मोक टावर्स और क्या है, चंडीगढ़ में बनाया लगाया गया है, कनॉट प्लेस सीपी में लगाया गया है, प्राग कैलेंडर। सो पीजीआईएमआर जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, पीजीआई जो, पीजीआई चंडीगढ़ जो है, पीजीआई चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ के लिए प्राग कैलेंडर बनाया, प्राग मीन्स पोलन ग्रेन्स। सो पोलन ग्रेन्स जो कि एंथर और स्टिग्मा वहां से जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स की वजह से पोल्यूशन होता है आप कह सकते हैं, और इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं पोलन ग्रेन्स ये प्लांट्स के, इससे आप कह सकते हैं कि अपने लंग्स रिलेटेड डिजीज जो है वो होती है, और ब्रोंकाइटिस वगैरह, अस्थमा वगैरह, एलर्जी, इन सब का ये रीजन बन सकता है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट डुगोंग संरक्षण रिजर्व, आपका डुगोंग आपका क्या है, डुगोंग आपका सी काओ बोला जाता है, और ये सी मैमल है डुगोंग। डुगोंग डुगोंग क्या है, सी मैमल, सी काओ भी बोला जाता है इसको, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड ऑलरेडी। सो पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर, तमिलनाडु सरकार ने बनाया, और कहाँ हो गए, ऑब्वियसली ओशन के अंदर, तो तमिलनाडु का लोग देख लो आप कौन से आ रहे हैं, मन्नार सी, मन्नार की खाड़ी, वहां पर पाक भी है, वहां पर पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गुजरात के लोग, अंडमान निकोबार, यहाँ यहाँ बेसिकली ये पाए जाते हैं डुगोंग डुगोंग जो है। और ये जो संरक्षण केंद्र जो बताया, ये संरक्षण केंद्र अलोंग तमिलनाडु बनेगा, कहाँ से कहाँ, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के जो पास जो मरीन रीजन है वहां पर, आदिरी पटेनम और अमानी पटनम। एग्जैक्टली ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अलोंग द गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे के अलोंग जो है डुगोंग रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। लेड फ्री पेट्रोल जो है उससे अपने दुनिया को मुक्ति मिल गई है, तो पेट्रोल में अब लेड फ्री पेट्रोल होता है आजकल, इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, चार नए भारतीय रामसर स्थल जो है उनकी घोषणा की गई है, तो अपने कितने रामसर साइट्स हो गई हैं, 46। रामसर साइट्स कौन से हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, रामसर कहाँ है, ईरान में। तो चार नए रामसर स्थल कौन से हैं, दो तो गुजरात में और दो आपके हरियाणा में। गुजरात में कौन से, वधवाना वेटलैंड, सेकेंडली थोल झील वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वधवाना एंड थोल झील, थोल लेक। हरियाणा के कौन से, बिंडावास, बिंडावास कहाँ है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, सुल्तानपुर आपका गुड़गांव के अंदर है। सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क है, और उसको वहां पर एक सुल्तानपुर झील है, वहां पर लेक है, और उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और इससे पहले बात करें सुर सरोवर और लोनार झील, इनको 2020 के अंदर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। सोकर, सोकर कहाँ है, लद्दाख में, इसको भी वेटलैंड रामसर साइट डिक्लेयर किया गया हुआ है। तो ये 46 की आपकी लिस्ट है। सुर सरोवर की बात करें तो ये कहाँ पर, आगरा जिले में, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए। और सुर नाम से देखो, सुर नाम है तो यानी सूरदास के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। लोनार लेक है महाराष्ट्र में है, किस लिए फेमस है, इंडिया की एकमात्र क्रेटर लेक है। क्रेटर क्या होता है, जब ऊपर से कुछ कोई भी स्पेस मटेरियल या कुछ एस्ट्रॉइड टाइप में गिरता है तो वहां पर एक क्रेटर हो जाता है, तो वो आपका क्रेटर लेक है। यहाँ पे सारे 46 रामसर साइट्स हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, लेटेस्ट वाली जरूर ध्यान रखें, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम देखें इसमें, हम लास्ट की देख लेते हैं, सूर सरोवर कहाँ पर, आगरा में अपने सूरदास के नाम पे, लोनार लेक महाराष्ट्र में, क्रेटर लेक है, सोकर लद्दाख, वधवाना गुजरात में, इसके बाद थोल लेक गुजरात में, दो हरियाणा के भिंडावास और सुल्तानपुर। फिर हम देखें रामप्पा और धोलावीरा जो है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को ने घोषित किए हैं। तो चाइना में एक इनकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग थी, वहां पर रामप्पा मंदिर और धोलावीरा, बस यही नाम ध्यान रखो,
रामप्पा और धोलावीरा। धोलावीरा तो आपको पता है हड़प्पन साइट है, कहाँ पर, गुजरात में है। ये काफ़ी वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव तरीके से मिली थी। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रामप्पा टेम्पल कहाँ है, तेलंगाना में है, सैंधव स्थल, सैंधव स्थल में हड़प्पन, हड़प्पन साइट धोलावीरा। सो रामप्पा 39वां था और धोलावीरा वाला 40वां। सो 40 हमारे जो है साइट्स होगी हमारी टोटल किसके अंदर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में देखो यूनेस्को किस में अलग अलग होता है, इसमें कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। सो 40 में से 32, 7 और 1 ऐसे है, 32 प्लस 7 प्लस 1, 32 आपकी कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड। मिक्स्ड कौन सी है, कंचनजंगा आपकी मिक्स्ड साइट है ये। रामप्पा टेम्पल है वो तेलंगाना में है, तो काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल उसी को बोलते हैं। तो काकतीय डायनेस्टी के टाइम का बना हुआ है और जो शिल्प कौशल का एक बहुत ही एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है। सो काकतीय के टाइम एक मुख्य मूर्तिकार थे जिन्होंने बनाया था, उसका नाम रामप्पा था, तो उसके नाम पे नाम इसका रामप्पा टेम्पल रखा गया। रामलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ देवता जो है रामलिंगेश्वर स्वामी है। रुद्रेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है इसको। और मार्को पोलो ने इस टेम्पल को डेक्कन के मेडिवल टेम्पल्स की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा बोला गया। धोलावीरा हरप्पन सिटी, ठीक है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है ये धोलावीरा, और यहाँ से पता है हमें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से क्रॉस करती है। गुजरात के बाकी अगर हम देखें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह, अहमदाबाद सिटी है, चंपानेर पावागढ़ का ये भी है, रानी की वाव, ये भी आपका रानी की वाव एक स्टेप वेल है आपका, ये सारी की सारी चीजें आपकी हैं। इसके बाद हम बात करें तो रोमानिया, इनकी लैंडस्केप को विश्व धरोहर सूची से हटाया गया, इसको सॉरी हेरिटेज इन डेंजर में शामिल किया गया है। रोमानिया की है रोसानिया मोंटानो माइनिंग लैंडस्केप, माइनिंग लैंडस्केप है तो भैया डेंजर के अंदर रहते ही है, ठीक है, रोमानिया के अंदर है। इंडिया की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना है, बाकी आप ना भी स्किप कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 14 बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व, 14 टाइगर रिजर्व को सीएटीएस की मान्यता दी गई है। सीएटीएस क्या है, आपका टाइगर के रिगार्डिंग है, कंजर्वेशन अश्योर्ड, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है, कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर सेंचुरी, ये इसका मतलब है। तो 14 कौन से आपके, ये नाम दिया गया, असम में मानस काजीरंगा औरंग, एमपी में सतपुड़ा कान्हा पन्ना, पेंच महाराष्ट्र में, ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाल्मीकि कहाँ है, बिहार में है, पेंच महाराष्ट्र में, सतपुड़ा कान्हा पन्ना एमपी में, मानस काजीरंगा औरंग असम में, दुधवा यूपी, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, परम्बिकुलम केरला, मुदुमलाई अनमलाई तमिलनाडु, देखो मलाई अलाई ये ज्यादातर तमिलनाडु में होते हैं, एक को छोड़ के वो केरला में, बाकी मुदुमलाई अनमलाई तमिलनाडु, बांदीपुर कर्नाटका। इन 14 से पहले भारत के 3 अन्य स्थलों को सीएटीएस की मान्यता मिल चुकी है। 3 स्थल कौन से थे, लैंसडाउन उत्तराखंड के, उत्तराखंड की रामनगर, और 24 परगना का वेस्ट बंगाल का, ठीक है। सो फॉरेस्ट डिविजन जो है ये सीएटीएस के आईयूसीएन के प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, और इसके अलावा नेपाल के चितवन एवं सिखोते, चितवन का है नेपाल और सिखोते भी वहीं पे, सिखोते का है रशिया में, चितवन नेपाल सिखोते रशिया, इनको भी सीएटीएस की मान्यता प्राप्त है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में होते हैं बेसिकली, ये टाइगर जो ज्यादातर जो टाइगर रेंज कंट्रीज के 13 हैं, कैसे ध्यान रखना है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज बीबीआईएन आपके, ठीक है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, ये हो गया आपके। इसके बाद अलोंग देख लो जो ये मलायन पेनिशुला है स्टार्टिंग फ्रॉम म्यांमार से लेके वियतनाम तक, वो सारे के सारे कंट्रीज हैं। देखो म्यांमार आया, फिर इसके बाद लगता हुआ क्या थाईलैंड है, अगर ऊपर की बात करें वैसे ही तो आगे जाएं तो क्या आएगा आपका, लाओस कंबोडिया एंड वियतनाम, ठीक है। अगर थाईलैंड से नीचे आए तो वहां पर मलेशिया आ जाएगा, देन इंडोनेशिया, इसके बाद चाइना रशिया, ये है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पर भी टाइगर है, तो टाइगर रेंज कंट्रीज आपके 13 आएंगे। मगरमच्छ संरक्षण की बात करें तो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो है, केंद्रापाड़ा इकलौता ऐसा जिला बन गया जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां
मिलने के एविडेंस मिले। तीनों प्रजातियां कौन सी होती है? तीन प्रजातियां भाई देख लो, घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ, यानी सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। घड़ियाल, मगर और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तीन तरह के जो हैं क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, और ये तीनों जो हैं केंद्रपाड़ा के अंदर मिलने के एविडेंस मिले हैं। केंद्रपाड़ा ने पाइका रिवर में केंद्रपाड़ा के अंदर वहां पे जीवित शिशु घड़ियाल का पता लगाया। CATS पढ़ा हमने, कंजर्वेशन श्योर टाइगर स्टैंडर्ड है, सॉरी ये यस कंजर्वेशन श्योर टाइगर स्टैंडर्ड ही है। एक तरह से स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं टाइगर्स की मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। WWF का ये प्रोग्राम है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो आपका अर्थ आवर जो निकालता है WWF, सेम वही WWF है ये, ठीक है। और 2013 में CATS को लॉन्च किया गया था। CATS 2022 तक जो है वाइल्ड टाइगर्स की संख्या को डबल करेगा, और इसको TX2 बोला, टी क्रॉस 2 का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। टी क्रॉस 2 2022 तक टाइगर्स को की संख्या को डबल करना। 13 में से 7 जो है CATS की योजना उनमें की जा रही है, 13 टाइगर रेंज में से। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन देखो गहरे समुद्र अभियान, कहना मतलब क्या है कि डीप ओशन में जाके हमने पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह इनको हमने एक्सप्लोर करना है, ब्लू इकोनॉमी बनाना है इंडिया को, ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, देख लेते हैं। तो डीप ओशन मिशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम होगा डेफिनेटली, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री इसको कर रही है काम, और एक यहाँ पर मैंड सबमरीन आ गए, मैंड सबमरीन जो मानव पनडुब्बी का विकास किया गया ताकि 3 व्यक्ति को 6,000 मीटर तक की गहराई में ले जाने के लिए काम में किया जाएगा। और इस तरह कुछ लिमिटेड कंट्रीज ही हैं, जैसे यूएस हो गया, फ्रांस, जापान, रशिया, जाने ऐसी टेक्नोलॉजी है। पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स के लिए भी इंटीग्रेटेड माइनिंग जो है जो प्रणाली जो विकसित की जाएगी। ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहेगा, ठीक है। 2021 से 30 को जो है महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया गया, ठीक है। सतत विकास के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 21 से 30 को ओशन साइंस डेकेड ये इसको डिक्लेयर किया गया। डिजिटल ओशन, डिजिटल ओशन क्या है भाई? ओशन का जो डेटा मैनेजमेंट है उसके लिए एक फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, क्या है? डिजिटल ओशन। और डिजिटल ओशन कौन इसको डेवलप कर रहा है? इनकोइस इसको डेवलप कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ठीक है। सूचना सेवा केंद्र आपका इनकोइस। UNFF 16, क्या? यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF, ठीक है। इसका 16 सेशन, इसलिए UNFF 16 बोला गया। तो इसका जो है ये 16 सेशन जो है न्यूयॉर्क में ये लॉन्च किया गया, इसका आयोजन किया गया। तो वैश्विक वनों के लक्ष्य के रिगार्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो है 2030 तक 3% की जो है ग्रोथ करनी है। अपने इंडिया में देखें 33% हमारा टारगेट रहता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालते हैं? कंपनी है आपकी एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग, IQAir। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQAir निकालती है। 2020 की इस रिपोर्ट में है कहाँ के? स्विट्जरलैंड की है ये, ठीक है। अगर स्विट्जरलैंड की तो पहले नंबर पर कौन आएगा? स्विट्जरलैंड को रखेंगे, ठीक है। अगर हम आगे देखें, सॉरी आगे देखते हैं इसके अंदर, इसमें PM2.5 के जो है वो आंकड़े पे निर्धारित होती है, और PM2.5 की दृष्टि से 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो इंडिया 3रे नंबर पे, सारे नेबरिंग कंट्रीज है, देखो हम कैसी जगह पे रह रहे हैं। तो हमारे सराउंडिंग कंट्रीज बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पहले 2, 3रे पे इंडिया, इन PM2.5 इतना ज्यादा यहाँ पर। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी होगी, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी भी, फिर वो है अपनी न्यू दिल्ली। नॉट सो प्राउड टू बी ऑन टॉप इन दिस रैंकिंग। 2020 के अनुसार जो है साउथ एशिया के 5 सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद, अब देखो न्यू दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल हो गया, तो सिटी साउथ एशिया में सबसे ज्यादा कौन सी? गाजियाबाद आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटिपस सेंचुरी। प्लेटिपस ये ऑस्ट्रेलिया में जो है प्लेटिपस के कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट
सेंचुरी बनाई गई है, बस इतना ही ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया वर्ल्ड की फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी। ये है क्या, ये पॉइजनस स्तनधारी जीव, पॉइजनस मैमल ये है, एक अंडे देने वाला प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है, एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग, ठीक है, जहरीला मैमल है ये। रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में। देश में 51st टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है कहाँ का, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु ने, और तमिलनाडु का ही पांचवा है, तो तमिलनाडु में टोटल कितने, पांच टाइगर रिजर्व्स हो गए। और 51वां कौन सा देश का, श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई। देखो मेघामलाई बताया तो ये कहाँ आएगा, ये मलाई वलाई ये सारे कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई। अब श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई में यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल, ठीक है, सफेद विशाल गिलहरी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। टाइगर रिजर्व किसके अलोंग है ये हम बताना चाह रहे हैं, तो जाइंट श्री विल्लूर जाइंट स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेकंडली मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके अलोंग ये, ठीक है। इससे पहले की बात करें, ये 51वां था, 50वां कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश ने इसको डिक्लेयर किया था कामलांग को, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, 50th था 50वां। तमिलनाडु में बाकी अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करें, देखो सबसे पहले कलक्कड़ मुंडुथरई, अन्नामलाई मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री वल्लूर, श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई, ये आपके पांच हैं। फिर से रिवाइज कर लो, तो कलक्कड़ मुंडनथुराई, अन्नामलाई मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई। अगर हम अपने टाइगर्स की संख्या की बात करें तो 2967 है, काफ़ी इम्प्रूव होगी टाइगर्स की हमारी पॉपुलेशन 2018 के सेंसस के हिसाब से, करीब करीब 3,000 ध्यान रख लो, ठीक है। और इंडिया में मैक्सिमम टाइगर्स कहाँ हैं, एमपी के अंदर, कितने, 500 से ऊपर, ऐसे ध्यान रखो, बस इतना क्वेश्चन ही आएगा, मैक्सिमम कहाँ पर, मैक्सिमम एमपी में है। और मैक्सिमम टाइगर रिजर्व्स कहाँ हैं, वो एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है, कुल मिला के 6, और तमिलनाडु में कितने, 5 है। ये आपको देख लेने की टाइगर रिजर्व एमपी में कौन कौन से 6 हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से 6 हैं, ठीक है। इंडिया का एंटार्क्टिक साइंटिफिक एक्सपेडिशन, 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिक वो स्टार्ट किया गया, ये दक्षिण सफेद महाद्वीप, साउथ वाइट, ठीक है, कॉन्टिनेंट, इसके लिए ये भेजा गया। बस हमें इतना ये देखने वाली बात बस यही है कि अपने एंटार्क्टिक में कौन से स्टेशन हैं आपके, भारती मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, तीन स्टेशन हैं, ठीक है। So, 1981 में जो है इंडियन इस एक्सपेडिशन को स्टार्ट किया गया था, तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है 1959 में जो है 12 देशों ने एंटार्क्टिक ट्रीटी पे साइन किए थे, और जो 1961 से प्रभाव में है, ये डीमिलिटराइज जोन इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ताकि केवल साइंटिफिक एक्सपेडिशन के लिए ही इसको यहाँ पे अलाउ रहेगा, ठीक है। इंडिया भी इसका 1983 से इसका पार्टी बना हुआ है। लक्षद्वीप जो है 100% ऑर्गेनिक यूटी बन गई है, तो फर्स्ट यूटी ऑर्गेनिक कौन सी है, लक्षद्वीप, और पहला स्टेट कौन सा था, सिक्किम। स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, सो लेपर्ड के स्टेटस के ऊपर एक आपका आकलन है, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स हैं, वो आपकी अखिल भारतीय तेंदुआ आकलन के परिणाम जारी किए गए 2018 के। इसके हिसाब से भाई 62% की जो है वृद्धि दर्ज की गई, 62% इंक्रीज हुए हैं तेंदुए भारत में, करीब 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 कह सकते हैं 13,000 के अराउंड तेंदुए हैं, 12,852, ठीक है, 62% इंक्रीज हुए हैं। लेकिन टाइगर्स भी बढ़ गए, तेंदुए भी बढ़ गए, लेपर्ड्स भी बढ़ गए, तेंदुए लेपर्ड तो एक ही है, ठीक है। और अगर हम देखें कि तीन टॉप के कंट्रीज कौन से हैं, एमपी, सेकंड पे कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, तो टाइगर्स में भी एमपी नंबर वन पे था, और लेपर्ड्स में भी, तेंदुओं में भी एमपी नंबर वन पे है। यूपी में तेंदुओं की संख्या करीब 300 के अराउंड है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना, यानी वल्चर कंजर्वेशन की जो योजना है, प्लान है, ये 2020 से 25 का है, इसका शुभारंभ किया गया। और इसको किसने मंजूरी दी, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने, ठीक है। एक आपका रेड हेडेड वल्चर, लाल सिर वाला गिद्ध होता है,
और एक आपका इजिप्शियन वल्चर यानी मिस्र के गिद्ध, तो रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर के लिए जो है एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम यानी कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। फिर आपके वल्चर सेफ्टी जोन, ठीक है, गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र कुछ है, तो बाकी जो गिद्ध है शेष गिद्ध आबादी के संरक्षण हेतु उनके लिए वल्चर सेफ्टी जोन, वो एक कार्यक्रम है उसके थ्रू जो है देश के 8 अलग अलग स्थानों पर लागू किया जा रहा है, जहां जहां पर गिद्ध आपके वल्चर्स मिल रहे हैं, इनमें 2 स्थान आपके यूपी में है, ठीक है। वल्चर सेफ्टी जोन्स 8 अलग अलग जगहों पे देश में लागू किए जाएंगे, 2 कहाँ यूपी में, कहाँ कहाँ पर, वो एक आप गोरखपुर में है, ठीक है, गोरखपुर वन विभाग द्वारा। गोरखपुर वन विभाग कहाँ पे किस जिले में कर रहा है, महाराजगंज जिले में, ठीक है, महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और गोरखपुर वन विभाग इसको कर रहा है इंप्लीमेंट, ठीक है। फिर अगर हम देखें ज्योग्राफिकल उसके हिसाब से, 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। एक आपका पिंजौर में है, एमपी में आपका भोपाल में, पिंजौर भोपाल, गुवाहाटी आपका ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, हैदराबाद साउथ में, ठीक है। तो वल्चर के रिगार्डिंग है, अपना यूपी वाला जरूर ध्यान रखना है, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व वहां पे, ठीक है। पन्ना क्या है, ये विश्व जैव अभयारण्य नेटवर्क में शामिल हो गया, यानी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो पन्ना आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब पन्ना जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जो मैब का जो प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम है, उसके अंदर यूनेस्को वाले इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। ये 12वां है मैब के अंदर जो आपका आ रहा है। टोटल हमारे 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर, 18 में से 12 जो है वो यूनेस्को के इस नेटवर्क में शामिल है। कौन कौन से हम देखें, पन्ना जो है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से कंजर्वेशन रीजन्स आ रहे हैं, ठीक है। आपका पन्ना नेशनल पार्क आ गया, गंगऊ सेंचुरी है और केन घड़ियाल सेंचुरी, तो 3 आपकी हैं, पन्ना नेशनल पार्क, गंगऊ सेंचुरी, केन घड़ियाल सेंचुरी। इसके अलावा इसी रीजन में खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स भी यहीं पर ही हैं, ठीक है। अभी बताया 18 22 रीजन, 12 जो है यूनेस्को के लिस्ट में, ये लिस्ट दे रखी आप देख सकते हैं उनको, अगर नजर मारना चाहो देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और कौन से उनमें मैप के अंदर हैं। मैप वाले देख लें, अचनक मार्ग अमरकंटक, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़, अगस्ता मलाई तमिलनाडु केरला, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, कंचनजंगा सिक्किम, नंदा देवी उत्तराखंड, नीलगिरी तमिलनाडु केरला कर्नाटका, नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी एमपी, सिमलीपाल ओडिशा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, पन्ना एमपी। बेटर तरीका क्या है, एटलस उठाओ और एटलस में लोकेट करके, स्टेट वाइज लोकेट करके इनको याद करो, उससे आपको इजीली ध्यान में रहेगा। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट ये चिल्का झील की एम्बेसडर डिक्लेयर की गई फिशिंग कैट को, चिल्का लेक, ठीक है, चिल्का लेक का है उड़ीसा में। सो फिशिंग कैट जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून, यानी कौन सी, चिल्का, और तो चिल्का लेक क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून लेक है। इसके अलावा भारत के सबसे पुराने रामसर स्थल भी चिल्का ही है, उसकी एम्बेसडर कौन होगी, फिशिंग कैट। तो भारत में एकमात्र जंगली बिल्ली की प्रजाति है जो कि चिल्का लेक के आसपास पाई जाती है, बस इतना देखना, चिल्का लेक की कौन है ब्रांड एम्बेसडर, एम्बेसडर कौन है, फिशिंग कैट। स्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध, स्थायी जैविक प्रदूषक का मतलब क्या हुआ, पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, कौन सी कन्वेंशन इसकी, स्टॉकहोम कन्वेंशन। कैसे याद रखना है, देखो स्टॉकहोम, होम याद रख लो, होम मीन्स घर, होम में घर में क्या करते हैं, पीओपीज करते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पीओपी बस उसे याद, नाम टर्म ध्यान में आ जाएगी, स्टॉकहोम, होम, होम, पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। स्टॉकहोम जो है ये कब, 2004 में जो है लागू हुआ था। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स बीचेस को मिलता है जो क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर,
ब्लू फ्लैग किसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन, बीचेज के रिगार्डिंग, ठीक है। 157 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया वर्ल्ड में, इंडिया का देख लो बस। अब ये पहला अवसर है जब इंडिया और चिली के समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। 8 समुद्र तटों को 2020 में इंडिया के ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया था। ये 8 कौन कौन से, ये हैं, नजर मार लो एक बार। राधानगर का है, अंडमान निकोबार की ये बीच है, काफी पॉपुलर बीच है राधानगर। ये इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो ये आपके क्राइटेरिया होते हैं कि बीच हो गया, जीरो वेस्ट हो गया, जीरो पोल्यूशन, इस तरह के, यानी क्लीन बीचेस के रिगार्डिंग है। जो दो नए भारतीय समुद्र तट ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन मिला, वो कोवलम तमिलनाडु और इंडेन इडेन पुडुचेरी। कोवलम और इडेन को भी बीच फ्लैग सर्टिफिकेशन, यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो कहाँ कहाँ मिलता है बीच फ्लैग, ब्लू फ्लैग वाला? ये बीचेस, मरीना, बोटिंग, टूरिज्म ऑपरेटर्स, ठीक है, इको लेबल्स, एक तरह से इको लेबल है ये एक तरह का, क्लीन बीचेस के रिगार्डिंग है बस, सिंपल, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। INS इंडियन नेवल शिप ध्रुव, ठीक है, ध्रुव क्या इंडियन नेवल शिप है, ध्रुव हेलीकॉप्टर भी है वैसे, ठीक है। ये ध्रुव जो है भारत का पहला, फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग ओशन सर्विलेंस शिप है, इन मिसाइल को ट्रैक करेगा और ओशन में सर्विलेंस के लिए भी रिगार्डिंग है। तो कंट्री अपने US, रशिया, चाइना और फ्रांस की कैटेगरी में शामिल हो गए। बस ध्रुव का ध्यान रखो, ध्रुव क्या, INS ध्रुव क्या है, फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्विलेंस शिप, बस इतना ही याद रखना है। MRSM से क्या, मीडियम रेंज SA सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। DRDO जनरली MRSM, ठीक है, LRSM, ये ज़्यादातर अपना इंडिया इसराइल के साथ मिलकर बना रहा है। इंडिया से DRDO, इसराइल से IAEA, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इनका ज्वाइंट एफर्ट रहता है, ज्वाइंट कोलेब्रेशन है। हंस NG न्यू जनरेशन हंस, ठीक है, हंस NG जो है विमान की प्रथम उड़ान सक्सेसफुल रही है, बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से जो है उड़ा था, 4000 फीट की ऊंचाई तक गए, हटाओ इसको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लो CSIR का जो है आपका नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है, तो CSIR IAL सॉरी NAL, CSIR NAL ने इसको डेवलप किया है हंस NG को, तो DRDO नहीं है, ध्यान रखना है, कहीं DRDO मारा है इसको, ठीक है। एक तरह से प्रशिक्षक विमान है, दो सीटों वाला ट्रेनिंग आप कह सकते हो प्लेन है ये। चैफ टेक्नोलॉजी DRDO ने डेवलप किया है, ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए, इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, शेफ टेक्नोलॉजी। तो दुश्मन की, यानी अपने एनिमी रडार से बचने के लिए हमारे इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स को हेल्प करेगी ये शेफ टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड बाय DRDO। सो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम इसमें लगाया गया, तो ये इंफ्रारेड और रडार के खतरों के खिलाफ एक जैमिंग कर देगी, जैसे जैमिंग सिग्नल्स को जैम कर देते हैं ना, तो सेम वे ये काम करेगी। आकाश NG वही न्यू जनरेशन, तो जैसे यहाँ पर हंस NG, यानी हंस का पहले लॉन्च हुआ होगा, अभी न्यू जनरेशन का हंस निकाल दिया, सेम आकाश न्यू, आकाश क्या आपका, आकाश आपकी, आकाश आप देखो, आकाश नीचे से हम ऊपर की तरफ आकाश को देखते हैं, तो क्या हुआ, नीचे से देख रहे हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। तो कहाँ से ये इसका परीक्षण किया गया, ओडिशा तट पे चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर जो वहाँ पे आइलैंड है, तो वहाँ पर इसको इवन अब्दुल कलाम आइलैंड आजकल दे रखा है इसका नाम। तो DRDO, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और BEL ने मिलके इनके इनके उसमें ये काम किया गया। तो ये जो देखें, अगर हम नॉर्मल आकाश की बात करें, तो वहाँ पर परंपरागत आकाश जो है, जो ट्रेडिशनल आकाश मिसाइल है, वो रैमजेट मोटर से लैस होती है, वहीं जो आकाश न्यू जनरेशन है वो द्वी प्लस ठोस रॉकेट मोटर लगी हुई, वहाँ पर सॉलिड रॉकेट मोटर है वहाँ पर। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट MP-ATGM, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, MP मैन पोर्टेबल,
एटीजी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम। तो कैसे काम करेगी, इस मिसाइल को मानव द्वारा वहनी लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया, यानी जो एक इंसान जो ह्यूमन जो है अपने पास वो लॉन्चर लेके चलता है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। ये इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर की टेक्नोलॉजी को इसमें इन्होंने यूज किया है। तो डीआरडीओ और वीएम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसको बनाया। क्या नाम है, MP-ATGM अग्नि पी प्राइम मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल ये है, मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की है। कैनिस्टर मिसाइल है, कहीं से भी रोड या रेल कहीं से भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, कैनिस्टर बेस होती है। ठीक है, INS राजपूत जो है सेवा मुक्त कर दिया गया। INS राजपूत जो है वो USSR में किया गया था, इसका जो निर्माण जो, और ऑन द बेस ऑफ USSR का नादेजनी जो था उसके ऊपर बेस है। तो राजपूत रेजिमेंट से संबंध होने का नौसेना का पहला पोत भी था ये। ठीक है, तो INS राजपूत को डीकमीशन कर दिया गया। INS करंज को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया। INS करंज जो है कलवरी क्लास की जो 6 सबमरीन्स हैं उनमें तीसरी पनडुब्बी, तीसरी सबमरीन है। तो कलवरी क्लास में अगर हम देखें, एक तो एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ सबमरीन, सो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो अगर हम प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो 6 सबमरीन्स का निर्माण किया जा रहा है, ये 6 जो है कौन सी, कलवरी खंदेरी करंज। तो 3 को तो कमीशन कर दिया गया है नेवी में, वेला वागीर और वागशीर इन पे काम चल रहा है। 6 पनडुब्बियां कौन सी है, कलवरी खंदेरी और करंज। ठीक, करंज करंज तीसरी है, फिर वेला वागीर और वागशीर, आखिरी की तीनों क्या है, वी से नाम से। ठीक है, वी क्यों कह सकते हो, वेला वागीर और वागशीर, पहले बारी कालावेरी खंदेरी और करंज, के क्यूब वी क्यूब, ये ट्रिपल के ट्रिपल वी। अगर हम कलवरी की बात करें, ये स्कॉर्पियन क्लास की है, फर्स्ट जो है INS कलवरी है। 2017 में इसको शामिल कर लिया गया था नौसेना में, खंदेरी को 2019 में, और अब करंज को अब शामिल कर लिया गया। मेन बैटल टैंक अर्जुन Mark 1A, ठीक है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है, इतना ध्यान रखो। ये स्वदेशी संस्करण, जो स्वदेशी है, ये इंडिजिनस है। सो डीआरडीओ की जो चेन्नई में एक लैब है, कॉम्बैट व्हीकल्स एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, कॉम्बैट व्हीकल एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, CVDE, CVRDE। ठीक है, अस्मी, अस्मी क्या है, अपने इंडिजिनस पिस्टल है, 9mm पिस्टल है अस्मी। सीधा आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, वन लाइनर वाला, अस्मी इंडिजिनस पिस्टल 9mm बनाया किसने, डीआरडी और इंडियन आर्मी ने इसको मिलकर बनाया। आर्म्ड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ये डीआरडीओ की, ARDE पुणे। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, ठीक बात है। उजी इसराइल की पिस्टल है, जो बंदूक उनके ये समकक्ष आती है। मिशन सागर थर्ड, INS टिल्टन, ये ह्यूमैनिटेरियन HADR होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत का एक पार्ट है। INS किल्टन ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था और ये राहत सामग्री लेके कंबोडिया के सिहानोकविले पोर्ट पे गया ये। इसके अलावा यही राहत सामग्री लेके वियतनाम के हो चिन मिन सिटी वहाँ भी गया, वहाँ भी एक पोर्ट पे गया, ये कौन सा पोर्ट है, नारोंग पोर्ट। सो इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली, और इसके अलावा फ्लड अफेक्टेड कम्बोडिया और वियतनाम में जो है इन्होंने राहत सामग्री वगैरह पहुंचाई है। मिशन सागर क्या है, मिशन सागर थर्ड, मिशन सागर का ही पार्ट है। तो मिशन सागर क्या है वो देख लो बस। मिशन सागर आपका जो प्राकृतिक आपदाओं और COVID-19 पेंडेमिक से निपटने के लिए अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनको सहायता प्रदान करने का काम है। तो मिशन सागर नेचुरल डिजास्टर्स और COVID-19 पेंडेमिक में जो अपने फ्रेंडली कंट्रीज को हेल्प करना है वो मिशन सागर के थ्रू है। ठीक है, मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेचल, सब में यहाँ पर हमने मिशन सागर के तहत हेल्प की है।
आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम, ठीक है, सीधा आएगा सक्षम क्या है, सक्षम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, बस ज्यादा ध्यान नहीं, इतना ही काफी है। तो समर्थ श्रेणी के हैं, बाकी कौन से, सचेत और सजग। देखो एस से ही आपका सह से बन रहा है, एस से समर्थ, समर्थ क्लास होगी और ट्रिपल एस, सचेत सजग और सक्षम। मिशन सागर, मिशन सागर ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये भी अपना वही हेल्प करेगा फ्रेंडली कंट्रीज को इन सब के अंदर। तो यहाँ के मिशन सागर फोर के थ्रू हमने क्या भेजा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टेबलेट्स भेजी, तो किस लिए, कोविड-19 को से निपटने के लिए, ठीक है। सिटमेक्स क्या है, सिटमेक्स आपका देखो सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, SIT, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, मैरिटाइम एक्सरसाइज जो है, सॉरी मैरिटाइम एक्सरसाइज आपका सिंगापुर इंडिया थाईलैंड SIT, सिटमैक्स, बस इतना ही आएगा किन किन कंट्रीज के बीच में, और एक मैरिटाइम एक्सरसाइज है। अपने यहाँ INS कमार्ता ने इसको पार्टिसिपेट किया था, कार्मुक। चलो पिनाक का क्या है, पिनाक आपकी एक रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है, रॉकेट लॉन्चिंग है पिनाक का, रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट्स के थ्रू ये लॉन्च किया जाता है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से यहाँ से परीक्षण किया गया था, ठीक है, काफी इतना। नाग मिसाइल के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है ये। नामिका, नामिका से इसको लॉन्च किया जाता है, एक व्हीकल होता है नाग मिसाइल कैरियर। देखो नामिका में नाग एन से क्या है, नाग हो गया एन से, एन ए से, ठीक है, मिसाइल कैरियर बाकी ये हो गया, MI से मिसाइल, CA से कैरियर। ये पैसिव होमिंग गाइडेंस, इस पे उपकरण होता है, ठीक है, और फायर एंड फॉरगेट के बेस पे काम करती है, यानी दागो और भूल जाओ, यानी बहुत एक्यूरेसी बहुत इसकी हाई है, तो पैसिव होमिंग गाइडेंस। तो मेन बैटल टैंक को नष्ट करने के लिए पैसिव होमिंग गाइडेंस जो है उपकरण यूज करते हैं इसमें। तो डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL और नामिका जो है इस मिसाइल का उत्पादन जो है BDL कर रहा है, और नामिका का उत्पादन जो है मेडक स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर रही है, ठीक है। मिसाइल कौन बना रहा है, BDL, और नामिका कौन बना रहे हैं, जो कैरियर है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहे हैं मेडक में। संत, ठीक है, संत क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये भी संत क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, SANT, किसने बनाया, DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलके इसको डेवलप किया है संत। ये मिसाइल जो है हेलिना का ही जो है डेवलप्ड वर्जन है, हेलिना क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, ध्रुव हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर देते हैं हम नाग को, ठीक है। सो क्या है वह, हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेंगे तो नाग का क्या बोलेंगे, हेलिना बोलेंगे। ब्रह्मोस का जो है नेवल वर्जन जो है वो भी डेवलप कर लिया गया, तो ब्रह्मोस के तीनों वर्जन काम कर रहे हैं, ठीक है, नेवल एयरफोर्स और अपना आर्मी वाला भी। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, दो स्टेज में काम करती है, किसी भी मौसम में काम कर सकते हैं, दिन हो या रात हो, थल वायु और जल तीनों ही प्लेटफॉर्म पे ये इफेक्टिव है। और MKI Sukhoi-30, MKI का ये सबसे भारी हथियार है, Sukhoi-30, Sukhoi-30 MKI से हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे। 290 किलोमीटर इसकी जो है ओरिजिनल जो है मारक क्षमता रही है जो, ठीक है। लेकिन इसके बाद MTCR इंडिया ने साइन कर लिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, तो इसके बाद इसकी जो है रेंज बढ़ भी गई, अब 450 से 500 किलोमीटर तक जो है ये काम करती है। INS चेन्नई में जो है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, और प्रोजेक्ट 15A जो है वो गाइडेड मिसाइल वहाँ पे जो है 15A के तहत भी अलग लगी है, निर्मित जो मिसाइल ध्वंसक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है एक युद्ध पोत है, ठीक है, प्रोजेक्ट 15A नेवल नेवी का प्रोग्राम है ये। Sukhoi-30 MKI ने जो है वहाँ पे इस मिसाइल के दागने के दौरान ब्रह्मोस को जो है वायुसेना का परीक्षण किया गया, तो एयर में जो है इन्होंने ईंधन भरा था Sukhoi-30 MKI ने। रुद्रम क्या है, रुद्रम आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है,
न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल एनजी रैम, तो एयर टू एयर काम करेगी, एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। किसने बनाई है? डीआरडीए ने डिजाइन और इसको डेवलप किया है, और फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है आपकी, तो उड़ीसा के विलर विलर आइलैंड से इसको लॉन्च किया गया। विलर आइलैंड को क्या बोलते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है इसको। एनजी रैम न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, रुद्रम ध्यान रखो, सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट रुस्तम टू, रुस्तम टू क्या है? रुस्तम टू आपका एक ड्रोन है, डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, तो रुस्तम क्या है? डीआरडीओ का ड्रोन है बस। तो डीआरडीओ की एक ब्रांच है आपकी, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, एरोस्पेस डेवलपमेंट जो इसके रिगार्डिंग है। एक यूएवी है, अनमैन एरियल व्हीकल, जो कि ड्रोन बोलते हैं। सो रुस्तम के 3 पार्ट 1 2 3, ठीक है ठीक है। रुस्तम क्या है? ड्रोन है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। रुद्रम क्या है? रुद्रम आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ओके अगर हम अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस इनको देख लेते हैं एक बार। सिम्बेक्स देखो नाम में ही है, नाम से आपको जब भी अगर कोई क्वेश्चन आता है एक बार देखो कि उसमें कहीं जो टर्म्स है वहां से आंसर पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो सिम्बेक्स ठीक है, सिंगापुर इंडिया, सिंगापुर के साथ इंडिया की जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है। मैरिटाइम एक्सरसाइज है, साउथ चाइना सी के अंदर करते हैं। इंदर, इंदर आपका रशिया के साथ है ठीक है, पुराने टाइम से जो है इंद्र देवता साथ दे रहे हैं, पुराने टाइम से रशिया साथ दे रहा है हमारा ना, तो इंद्र आपका रशिया। काजिंद देखो नाम में, देखो काजिंद यहां से कजाकिस्तान, कैज आ रहा है ना, कैज है कजाकिस्तान। जायद, जायद के साथ यूएई के साथ, जायद अवार्ड भी आपको पता होगा उसे ध्यान रख सकते हो। जायद अवार्ड कहाँ का? यूएई का है, अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी ये मिला हुआ है ठीक है। मालाबार, मालाबार देखो इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया जापान, मल्टी लेटरल एक तरह से ये मैरिटाइम एक्साइज जो होती है मालाबार। कोंकण ठीक है, कोंकण जो है आप देखो ब्रिटेन के साथ है। अल मोहिद अल हिंदी देखो नाम में पता लग रहा है कोई अरेबियन स्टेट है, कौन सा स्टेट होगा, कौन सा कंट्री है? सऊदी अरेबिया। अल मोहब्बत अल हिंदी, हिंदी से पता लग रहा है इंडिया के साथ है बस, है ना। कॉर्पेट, कॉर्पेट इंडोनेशिया के साथ, इंडो थाई कॉर्पेट, थाई अगर तो थाईलैंड के साथ, और सिंपल कॉर्पेट आए तो इंडोनेशिया के साथ। पैसेज, पैसेज आपका यूएसए के साथ, देखो यहाँ पर एक तो पैसेज यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पैसेज है इंडो इंडिया इंडोनेशिया ठीक है, एक इंडिया यूएसए, तो अगर इंडिया यूएसए आए वो मारना है, और इंडोनेशिया आए तो ये करना है। तो पैसेज के दो हो गए, यूएसए के साथ और इंडोनेशिया के साथ अलग अलग। समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन है नाम में पता लग रहा है ठीक है। समुद्र सेतु किसके रिगार्डिंग है? कोविड-19 के राहत अभियान को क्या बोला गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो मेडिकल और ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह दी गई है। वरुण, वरुण किसके साथ? फ्रांस के साथ ठीक है। इंद्र किसके साथ था? रशिया के साथ। वरुण फ्रांस के साथ। ऑपरेशन खंजर, खै 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 ठीक है, कै खै, तो कैक से क्या है? किर्गिस्तान। खंजर ठीक है, खंजर खै खै से पहले क्या, कै किर्गिस्तान ठीक, खंजर ठीक है, खंजर खै और रह साधन किर्गिस्तान। वज्र, वज्र आपको यूएसए के साथ ठीक है। तो तीन चीजें आपकी आई, इंद्र पुराने टाइम से इंद्र देव तो साथ दे रहे हैं रशिया, वरुण आपका फ्रांस ठीक है, वज्र वज्र ठीक है वो आपका यूएसए। दस्तलिक, दस्तलिक उज्बेकिस्तान ठीक है, दस्त लिख उज्बेकिस्तान। देखो दस्त लग गए बहुत ही बड़ा जज्बा चाहिए होता है दस्त लगे इंसान को ठीक होने के लिए। ऑपरेशन संकल्प, संकल्प बहरीन के साथ ठीक है, बहरीन संकल्प। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट फ्रांस। ऑपरेशन सर्द हवा और गर्म हवा कहाँ है? ये बीएसएफ का है, ये ध्यान रखना है, बीएसएफ का इन राजस्थान ठीक है। देखो गर्मियों में क्या चलेगी? गर्म हवा चलेगी, और सर्दी में सर्द हवा, तो बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है राजस्थान के अंदर। स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स एस एल से श्रीलंका, आई से इंडिया, तो इंडिया श्रीलंका की ये मिलिट्री एक्सरसाइज है।
मैरिटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आईसीजीएस कनकलता बरुआ, ये आपका तटरक्षक बल में शामिल हो गया, फास्ट पेट्रोल वेसल है, आईसीजीएस कनकलता बरुआ। ठीक है, कनकलता बरुआ क्या है, डायरेक्ट आएगा ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, आपका फास्ट पेट्रोल वेसल है। तो काकीनाडा स्थित तटरक्षक बेड़े में इसको शामिल किया गया है। और इसका नाम जो कनकलता बरुआ जो नाम रखा गया, एक अपने फ्रीडम फाइटर जो रहे 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान तिरंगा लहराते हुए एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गई थी, ये मैडम जो है कनकलता बरुआ, ये जो है अपने फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो कनकलता बरुआ जो है फ्रीडम फाइटर, अपने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के जो उसमें पार्टिसिपेट किया था वहां पर शहीद हो गए थे। और अब इनके नाम पे एक फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस कनकलता बरुआ का नाम रखा गया। ठीक है, दैट्स ऑल। एक बार अगर रिवाइज करना चाहे क्विकली इसको रिवाइज कर लीजिए, देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें इसको। ठीक है, सिंपली फास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे, कनकलता बरुआ फास्ट पेट्रोल वेसल आईसीजीएस का है, और ये 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान शहीद हो गई थी। ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, अभी हमने रिवाइज की, इनको देख लेना फिर से एक बार। ठीक है, रुस्तम, रुस्तम क्या आपका ड्रोन है, डीआरडीओ ने बनाया है इसको। रुद्रम, रुद्रम आपका एंटी रेडिएशन आपकी मिसाइल है। ठीक है, ये भी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, इंडिजिनस है। ब्रह्मोस का वायुसेना परीक्षण किया गया, हवा में इसको ईंधन भरा गया। ठीक है, ये क्या है आपका ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण निकाला गया, तो तीनों तीनों आगे ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कवा नदी के नाम पे इसको रखा गया, रशिया की जो है इसको M30 MKI के उस पर थी, 290 इसकी रेंज थी, बढ़ के अब 500 तक पहुंच गई, MTCR इंडिया ने साइन कर लिया था इसलिए। ठीक है, संत आपका क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, संत आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है। नाग जो एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नामिका जो है ये इसका लॉन्च व्हीकल है, कैरियर है, मिसाइल को BDL ने बनाया है और नामिका को ऑर्डनेंस फैक्ट्री ने बनाया है। पिनाक का आपका रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट है, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। ठीक है, मिशन सागर क्या है, एक तरह से HADR टाइप में ये अपने फ्रेंडली कंट्रीज को जो है हेल्प करते हैं अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अंदर, और इवन COVID-19 के दौरान भी। ठीक है, मिशन सागर। सक्षम, सक्षम के तहत जो है अलग अलग एक समर्थ क्लास में SSS देखा हमने, सक्षम सचेत सजग और सक्षम सचेत सजग सार्थक, ये जो है इनको अलग अलग जो है समर्थ श्रेणी में अलग अलग है ये, और सक्षम का भी जो इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मिशन सागर हमने देखा ही अभी। ठीक है, मिशन सागर जो है HADR आपका है, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अश्मी क्या, इंडिजिनस पिस्टल है, डीआरडी और इंडियन आर्मी ने बनाई है, देसी पिस्टल है, इंडिजिनस पिस्टल है। अर्जुन मार्क क्या है, मेन बैटल टैंक है, डीआरडीओ के CBDE ने बनाया, डीआरडीओ ने बनाया अर्जुन मेन बैटल टैंक, इंडिजिनसली मेड है। प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियां थी, 6 पनडुब्बियां हैं। ठीक है, ट्रिपल के, ट्रिपल वी, ट्रिपल के अपनी हो गई है, कलवरी खंदेरी करंज वेला वागीर वाक्षी, ये आगे बननी है। प्रोजेक्ट 75 के अंडर ये 6 पनडुब्बियां जो है सबमरीन्स बननी है, तो 6 में से 3 ट्रिपल के जो है वो आ चुकी हैं। INS राजपूत जो है सेवामुक्त हो गए, USSR के नेटजेनी के नाम से उसके पर बेस्ड है। अग्निपी प्राइम जो है वो सफल परीक्षण हुआ है, 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज है इसकी। MP-ATGM, MP के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, IR इंफ्रारेड इमेजिंग सीकिंग सीकर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, DRDO और VM टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है। ठीक है, आकाश NG, आकाश न्यू जनरेशन, तो आकाश का न्यू जनरेशन आया है। ठीक है, ये चांदीपुर यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, DRDO, BDL और BEL ने मिलकर इनको काम किया, और जो पुराने वाला आकाश था रैमजेट मोटर होती थी, नए वाले में टू फेज सॉलिड रॉकेट मोटर है इसका। हंस NG, हंस आपका एक तरह से हेलीकॉप्टर आपका सुना हो आपने, HAL जो है ना CSIR की जो लैब है आपकी बेंगलोर वाली, ये आपका
हंस प्रशिक्षक विमान आपका, ट्रेनिंग ट्रेनर आप कह सकते हो, ट्रेनर प्लेन है आपका। CSIR की एक लैब ने बनाया, बेंगलोर वाली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी NEL ने। MRSM इसराइल वाला है, इसराइल के साथ थे। MRSM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ध्रुव जो है INS ध्रुव आपका, फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग एंड ओशन सर्वेलेंस शिप है। शिप है, इसके थ्रू हम मिसाइल को ट्रैक कर रहे हैं और सर्वेलेंस का काम करेगा, ठीक है। मिसाइल का पता लगाने वाला और समुद्र निगरानी पोत आपका ध्रुव, ठीक है। ब्लू फ्लैग वाला क्लीन बीचेस वगैरह के रिगार्डिंग है। 8 जो इंडिया की नोई बीचेस को जो है उनको सर्टिफाई किया गया, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया, टोटल 10 हो गई अपने इंडिया की, ठीक है। POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम, होम से POPs आपका आ गया, होम मीन्स POP, ठीक है। 2004 से जो है लागू हो गया था। तो अपने इंडिया ने जो है अपने PM साहब की अध्यक्षता में जो POPs के तहत 7 रसायनों को प्रतिबंध करने की पुष्टि की, अभी पुष्टि की, इनको कमिटमेंट दिया है। फिशिंग कैट जो है चिल्का लेक की एम्बेसडर है, ठीक है। चिल्का लेक एशिया की जो है सबसे बड़ी खारे की झील है और सबसे पुराना रामसर स्थल भी है चिल्का लेक। ये अपने 2200 रिजर्व्स हैं, टोटल 18 हैं, 18 में से 12 जो यूनेस्को मैप प्रोग्राम के अंदर आपके हैं, ठीक है। अब जो पन्ना जो है वो लेटेस्ट 12वां जो 2200 रिजर्व जो है वो अब जिसमें शामिल किया गया है मैप के अंदर, पन्ना के अंदर पन्ना टाइगर, सॉरी पन्ना नेशनल पार्क, गंगो सेंचुरी और केन घड़ियाल सेंचुरी, ठीक है। आपके तेंदुए का जो है, लेपर्ड का जो सेंसस आपका आया, ठीक है, 62% इंक्रीज हो गया, 12,500 13,000 के अराउंड आ गया आपके तेंदुए जो है। मैक्सिम तेंदुए कहाँ है, MP के अंदर है। लक्षद्वीप जो है ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक यूटी बन गया, पहला स्टेट कौन सा था, सिक्किम था। एंटार्क्टिक साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो है दक्षिण सफेद महाद्वीप के लिए भेजा गया, बस ये देख लो भारती मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हमारे वापस एंटार्क्टिक के अंदर हमारे साइंटिफिक स्टेशन है वहाँ पर। एक 51st देश का टाइगर रिजर्व बन गया तमिलनाडु के अंदर, 51st, टोटल 51st हो गया, तमिलनाडु का 5वां हो गया। नाम क्या, श्री विल्लूर, श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई, ठीक है। सो श्री विल्ली पुथुर और मेघामलाई ये मिला के यहाँ पर टाइगर रिजर्व बन गया। इससे पहले 50 अरुणाचल का कामलांग था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQR निकालता है, स्विट्जरलैंड जो है ये बेस्ड है। इंडिया तीसरे नंबर पे, अपने आसपास कितना खराब है देखो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। न्यू दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल हो गया, गाजियाबाद जो है साउथ एशिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आपका हो गया। UNFF, यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका न्यूयॉर्क के अंदर सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, 3% हमने फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये है आपका डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग है, देख सकते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, CATS कंजर्वेशन शो टाइगर स्टैंडर्ड्स के नाम से है, टाइगर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग WWF ने लॉन्च किया है, 73 में लॉन्च किया गया था। 2022 तक हमने जो है टाइगर की संख्या को डबल करना, TX2 उसको बोला जाता है, T+2। मगरमच्छ संरक्षण जो है केंद्रपाड़ा उड़ीसा के अंदर पाइका रिवर में जो है जीवित शिशु घड़ियाल का मिला है, और केंद्रपाड़ा में भारत में जो उड़ीसा के अंदर जो यहाँ पर तीनों प्रजातियाँ के वो मिल गया एविडेंस में। तो इंडिया में तीन तरह की प्रजातियाँ मिल रही हैं इंडिया में, घड़ियाल, मगर और सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है बताया आपको, BBIN अपने मलाया पेनिनसुला वाले, रशिया, चाइना, मलाया पेनिनसुला और इवन आपके सारे कंप्लीट जो आप देख सकते हैं उसके लोग, ठीक है। ये आपके सारे जो हैं टाइगर रिजर्व्स हैं, इनको देख लेना एक बार। ये कोशिश करो मैप के थ्रू ही आप इनको याद करने की ट्राई करें, वो जल्दी इजीली याद होगा और लेट तक आपको ध्यान भी रहेगा, रिटेन भी ज़्यादा रहेगा। रामबाप्पा मंदिर और धोलावीरा जो है वो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, रामप्पा तेलंगाना में, धोलावीरा गुजरात में, ठीक है। रामप्पा टेम्पल, रामप्पा कौन था, ये मुख्य शिल्पकार था वहाँ का, रामप्पा टेम्पल बनाने वाला, ठीक है, काकातीय डायनेस्टी के टाइम बना हुआ है। टोटल अपने 40 हो गए, 40 में 32 सात और एक, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्स्ड। मिक्स कौन सा है आपका, कंचनजंगा, ठीक है। ये आपके आगे रामसर साइट्स, रामसर साइट्स में 4 नए रामसर साइट्स आ गए,
चार कौन कौन से रामसर साइट्स आए हैं देख लेते हैं आपके। हैं सूर सरोवर यूपी, ठीक है, आगरा में जो बताया सूरदास के नाम पे, लोनार महाराष्ट्र, क्रेटर लेक, सोकर लद्दाख, वधवान गुजरात, थोल गुजरात, मंडावास हरियाणा, झज्जर सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, ठीक है। तो रामसर कहाँ है, ईरान में। टोटल कितने हो गए अपने रामसर जो है साइट्स, 46 हो गई, ध्यान रखना है, ठीक है। अपने अगर हम बात करें, 40 तो आपके हो गए हैं, 40 तो हो गए आपके वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया के अंदर, और 46 हो गई आपकी रामसर साइट्स इंडिया के अंदर। लेड फ्री पेट्रोल अपना हो गया है पूरा वर्ल्ड जो है। डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बन गया, अलोंग तमिलनाडु, मन्नार, पाक बे, इन सब के अलोंग, ठीक है। डुगोंग का सी मैमल, सीकाओ, स्मोक टावर कहाँ है, चंडीगढ़ में, सीपी में और आनंद विहार में। प्रण जो आपकी पोर्टल हो गया एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत। पराग कैलेंडर पोलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग है, पीजीआई चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी मिलकर कर रही है। ये हमारी वैक्सीन्स हैं, फाइजर एमआरएनए, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका आ गया, ये देख लो कोविशील्ड ऑन वायरल वेक्टर, कोवैक्सीन ऑन इनएक्टिवेटेड वायरस। कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड जेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोवैक्सीन भारत बायोटेक एंड आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वैक्सीन मैत्री पहल, मैत्री के नाम से हमने फ्रेंडली कंट्रीज को हेल्प करना है रिगार्डिंग द वैक्सीन, वैक्सीन भिजवाई है। पहला कंट्री कौन सा है, भूटान है वैक्सीन लेने वाला। इनके वायरस के स्ट्रेन की बात करें तो अल्फा जो है वायरस स्ट्रेन यूके का है, बीटा आपका साउथ अफ्रीका, गामा जो है ब्राज़ील का, और अपने इंडिया कौन सा डेल्टा वेरियंट। आयु 64 2DG क्या है, कोविड की मेडिसिन है, बस इतना ध्यान रखो। हाइड्रोक्लोरोक्विन भी क्या है, इसी के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता था। रेमडेसिविर भी क्या है, कोविड की मेडिसिन है जो यूज की जा रही थी। गोवा फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट बन गया है, चाइना मलेरिया फ्री हो गया है, ठीक है। अपना हार्ट फेलियर के रिगार्डिंग फर्स्ट बायो बैंक इंडिया का कहाँ बना दिया गया है, चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर, त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, स्काई से क्या है, मेडिसिन डायरेक्टली पहुंचेंगे हवा के अंदर, किसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू, कहाँ पे, तेलंगाना में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये हेल्प करेगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना, पोषण योजना किसके जगह पर, मिड डे मील की जगह पर। तो मिड डे मील से ध्यान रख सकते हो कि 1 से 8 क्लास तक खाना वाना देंगे बढ़िया तरीके से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, सो भारत डिजिटल मिशन आयुष्मान के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो एक हेल्थ आईडी बन जाएगी, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री बन जाएगी, हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री बन जाएगी, सब ठीक है। और आयुष्मान भारत जो है पीएम जय जो है जन आरोग्य योजना, एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, 5 लाख तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस है पर फैमिली, सॉरी। नेक्स्ट आपका हाइपरसोनिक विंड टनल आपका SWT DRDO ने बनाया हैदराबाद के अंदर, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट पे फुगाकू, सेकंड पे समिट, इंडिया के जो तीन है परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर। ये आपका आ गया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ITU टेलीकॉम यूनियन इसको निकालता है। फर्स्ट पे USA और इंडिया की रैंकिंग क्या है, 10th। ग्रीन स्टील, ग्रीन स्टील आपका जीवाश्म मुक्त इस्पात है। ग्रीन स्टील कैसे, ये अपना हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हाइड्रोजन भी यूज करेंगे, हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, और स्वीडन जो है पहला कंट्री बन गया ग्रीन स्टील वाला। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी गई 2021 की, कि पुराने व्हीकल्स को भाई आप स्क्रैप करो और नए लो, इंसेंटिव्स लो। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च कर दिया गया 15 अगस्त को, 75वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के दौरान। ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इकोनॉमी जो है, जो जॉन बोक्रिस ने इसको नाम दिया था, इसका जो रोड मैप है हाइड्रोजन का 2006 में, 2003 में आपका बोर्ड बना। IC8 का पार्ट है, मिशन इनोवेशन चैलेंज 8 का पार्ट है, बस भाई ठीक है। फर्स्ट ई व्हीकल अनुकूल राजमार्ग अपना दिल्ली चंडीगढ़ का बन गया, करनाल में कर्ण लेक रिजोर्ट में चार्जिंग स्टेशन बना दिया गया। ATL अटल टिंकरिंग लैब कह सकते हो इससे, ठीक है। ATL का स्पेस चैलेंज है, इसरो और CBSE मिलकर काम कर रहे हैं। 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है, 3rd से 12th क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए खुला रहेगा, और ATL और नॉन ATL लैब दोनों वाले स्कूल शामिल होंगे। स्पेस के रिगार्डिंग जो है प्रमोट करेंगे एक माहौल स्कूलों के अंदर,
और क्या होना है, ठीक है अपना डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो डिजिटल क्वालिटी डेस से डिजिटल, ठीक है, और डेस से डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी जा रही है, सर्फ शार्क जो है साइबर सिक्योरिटी कंपनीज को लॉन्च किया है, इंडिया 59th रैंकिंग पे है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेज हैं, ये अपने अलग अलग कैटेगरीज में दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? CSIR के द्वारा। कल्पना चावला के नाम पे एक कार्गो अंतरिक्ष यान जो है लॉन्च किया गया, ये NG-14 सिग्नस अंतरिक्ष यान को नाम दिया गया, NG-14 सिग्नस को कल्पना चावला के नाम से। नासा ने इसको लॉन्च किया है वेलप्स आइलैंड वर्जीनिया में, वर्जीनिया से। शुक्रयान मिशन जो है, मिशन शुक्रयान वीनस के लिए मिशन है अपना इंडिया का, और स्वीडन भी इससे पार्टिसिपेट करेगा। इससे पहले रशिया जो है इकलौता ऐसा कंट्री है जो कि जिसने लैंड कराया है वहाँ पे ऑन वीनस, प्लैनेट वीनस, ठीक है। US-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट PSLV-C49 के थ्रू, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है ये, सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये कमर्शियल एग्रीमेंट इसके साथ, और DUS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और अग्निकुल के बीच में एग्रीमेंट है, ठीक है। PSLV-C50 CMS-1 है, कम्युनिकेशन सेटेलाइट है C50 वाला, और एक्सटेंडेड सी बैंड में काम करेगा, ओके। स्पेस हरिकेन क्या है? इलेक्ट्रॉन रेन है, इलेक्ट्रॉन की वर्षा है, उत्तरी ध्रुव के ऊपर इसको देखा गया, तो इलेक्ट्रॉन रेन है स्पेस हरिकेन। फिर आपका है आपका PSLV-C51 Amazonia-1 मिशन है, ठीक है। Amazonia-1 यानी ब्राज़ील मेन आपका सेटेलाइट ये है, ब्राज़ील में अमेजोनियन फॉरेस्ट की जो है ऑब्जर्वेशन करेगा, उनकी कटाई हो रही है जो भी हो रहा है। इसके अलावा बाकी सेटेलाइट्स जो छोटे मोटे SDSAT, UnitySAT और सिंधु नेत्र। GSLV-F10 ये आपका EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट थर्ड था, ये मिशन एसफल हो गया, क्रायोजेनिक स्टेज में जो है ये फेल हो गया। इसरो का साउंडिंग रॉकेट RH के नाम से, देखो जो भी है सारे साउंडिंग रॉकेट है इसरो के, RS-560 MK2 जो है लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। हेंसन क्रेटर क्या है? हेंसन क्रेटर मून के ऊपर, मून के साउथ पोल के ऊपर एक जो क्रेटर है उसका नाम रखा गया हेंसन क्रेटर, IAU ने नाम रखा है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो जल्दी लेकर आएंगे रिगार्डिंग द बाकी चीज़ें कवर करेंगे अंदर उसके अंदर। If you like this video, please like, subscribe and share it. Thank you very much. And और अगर आप ये content आप लेना चाहें इस PDF file इनको, तो आप join कर सकते हैं हमारा Telegram channel जिसका link जो है description box में दिया गया है. Thank you very much. Have a nice day.